माजी की मरूफ अदाकारा रूही बानो की मुश्किलात कम ना हो सकें, गुलबर्ग के प्रॉपर्टी डीलर पर घर पर कब्जा करने का इल्ज़ाम आयद किया है। तहफ्फुज़ के लिए वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस से अपील कर दी। मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मरवा अंसर। मरवा बताइएगा। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि माजी की जो मरूफ अदाकारा है, जिनको कहा जाता था कि वो बहुत ज्यादा हसीन है और अपनी अदाकारी में जो है उनका कोई सानी नहीं, रूही बानो, आज उनकी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। पहले उनके बेटे को कत्ल कर दिया गया और अब उनका जो है वो प्रॉपर्टी का मसला चल रहा है। वो एक रुपोश जो है वो हुई हुई थी, मंजर आम से बिल्कुल गायब हुई हुई थी, जो कि चैनल्स ने उनकी खबरें चलाई। पिछले दिनों में कहा गया कि जी रूही बानो गायब हो गई हैं पुरस्कार तौर पर, मगर उनका जो मामा, ये तो हल हो गया कि रूही बानो अपने भाई के घर पर आए और बिल्कुल महफूज हैं। अब उन्होंने अपील की है हुकूमत पाकिस्तान से कि मेरी जो है वो मुश्किलात में कमी की जाए, मैं एक जो है वो बासानी तरीके से जिंदगी गुजार सकूं, मुझे इन मुश्किलात से निकाला जाए और मुझे तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। उनके घर का जो मामला, उनका ये कहना है कि मेरी जायदाद के पीछे पड़े हुए लोग मेरे जानी दुश्मन बने हुए हैं, मुझे इससे छुटकारा दिलाया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मरवान सर चौधरी।